मैं जन्मजय साहब वार्ड नंबर 10 का पंच भी हूँ, मेरी पत्नी सरपंच भी है और मेरे साथ में हमारे पंच प्रतिनिधि लोग हैं। ये लोग जी यहाँ क्या शिकायत हुई थी सर, पटवारी लोग आए थे, क्या पूछते बताएंगे? ये लीलेंद्री तांडी शिक्षिके हैं पेशे से, इनके द्वारा यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है। आप रोड भी देख सकते हैं, जितना रोड है यहाँ पे उतना रोड छूट नहीं रहा है। क्या है, गली में कब्जा हुआ है इनके द्वारा और इसके बारे में हम लोग शिकायत किए हैं। और इनके द्वारा अवैध रूप से अनाथाश्रम चलाया जाता है, बाल बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है और कल के दिन में कुछ भी अप्रिय घटना होने से उसका दोषी कौन रहेगा, इस संबंध में हम लोग शिकायत किए हैं। अनाथ आश्रम के नाम में कितने बच्चों को रखा गया है यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 बच्चों को रखा गया है और बंसुला गांव पूर्णतया हिंदू बाहुल्य गांव है, यहाँ पे ईसाई मिशनरी का काम लीलेंद्री तांडी द्वारा किया जाता है और हर रविवार को यहाँ पे प्रार्थना सभा आयोजित किया जाता है, जिसका शिकायत पंचायत को बराबर मिलते रहते हैं। मना करने पर ये मानती नहीं है, उल्टा हमारे नाम से बसना थाना में रिपोर्ट कर दी थी। और सर ये जो शिक्षिका है ये प्रॉपर कहाँ से है और कब से कब्जा किए इनको? ये ग्राम बंसुला की है जी। और बसना में पढ़ाती है ये जी। और ये अभी 8-10 महीना पहले जी इस जमीन को खरीद के बनाई है जी। और मैं सुनने में आया है या जिससे भी खरीदी है वो भी कोई शिक्षा कर्मी ही था, शिक्षिका था जी। तो सर ये जमीन घास जमीन है या पट्टा वाली जमीन है? ये घास जमीन है। उनसा हो पटवारी हैं आप? हाँ पटवारी। कौन कौन सा क्षेत्र? अरेकिल बंसुला। यहाँ आए मौका इंजाज में, क्या शिकायत थी, क्या क्या पाया गया? शासकीय घास जमीन पे अतिक्रमण के संबंध में शिकायत थी जी। तो मौके जांच पर क्या पाया गया? मौके जांच पे अतिक्रमण पाया गया है जी। किसके खिलाफ शिकायत थी सर? लीलेंद्री जी। कहाँ की हैं, क्या करती हैं, कुछ बताएंगे? वो अभी शिक्षिका है जी। कौन से स्कूल में? पता नहीं सर। अच्छा शिक्षिका है जी। और कहाँ से हैं प्रॉपर? वो यही की है, बंसुला। बंसुला की है जी। और यहीं पढ़ा रहे हैं जी। घास भूमि में अतिक्रमण पाया गया जी। कि किसी से खरीदी बिक्री वाला बात ग्रामीण लोग कह रहे हैं, ऐसी कुछ आपको नॉलेज में? हाँ आवेदिका अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है जी, शपथ पत्र एक ठो। अच्छा। जी तो आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हम रिपोर्ट जमा करेंगे आगे, तहसीलदार साहब जो भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर मेरा एक सवाल है जी। पिछले दिन मीडिया समाचार पत्र से मुझे जानकारी मिली थी कि सुरंगी नाला के पास भी अतिक्रमण कर दीवाल बनाया जा रहा है जी, उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है और अब तक क्या किया गया? रिपोर्ट जमा कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई तहसीलदार साहब करेंगे। अच्छा क्या पाया गया उसमें जो आपने रिपोर्ट सबमिट किया है? अब उसमें वही आप देख लेना भैया।